स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शुगर इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो हमने पिछले चैप्टर में किया था कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आ रहा है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और थर्ड हमारी आ जाती है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन शुगर केन प्रोडक्शन। अगर हम बात करें शुगर केन प्रोडक्शन की तो इंडिया का वर्ल्ड में सेकेंड है, ओके, एंड फर्स्ट इन गुड एंड खांडसरी। मतलब गुड और खांडसरी के प्रोडक्शन में तो इंडिया फर्स्ट है, बट ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे स्टैंड करता है। मोस्टली हमारी जो शुगर मिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस एरिया में लोकेटेड है। बट अबाउट 60% ऑफ शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो उत्तर प्रदेश जो है वो क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का। क्योंकि ओल्ड जो हमारी जितनी भी शुगर मिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड थी, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड थी। दैट्स वाई अभी क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण हमारी जो शुगर मिल्स है वो सदर्न स्टेट्स में भी क्या होती जा रही है, लोकेटेड होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, सीजनल है इन नेचर में। ठीक है, सीजनल का आपको पता ही है कि जिस सीजन में शुगर होगा तो मिल का प्रोडक्शन उसी सीजन में होगा, ओके, एंड इन नेचर एंड आइडली सिचुएटेड फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब ये जो सूट कर रहा है किसको, कोऑपरेटिव सेक्टर को। कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने किया था कि इसमें क्या होते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं वो अपना मिलके एक कोऑपरेटिव सेटअप करते हैं, मतलब मिल सेटअप करते हैं। तो उसी तरह से जो शुगर मिल है ये किसके किसको सुटेबल है, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, बिकॉज इट इज सीजनल इन नेचर। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमने किया था कि मोस्टली शुगर मिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है। बट इन रीसेंट ईयर्स मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ओके। तो इन स्टेट्स में भी क्या होती जा रही है, शुगर मिल क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही सुटेबल है फॉर ग्रोइंग ऑफ शुगर केन। ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे सुटेबल है, साथ में यहाँ पे जो पर हेक्टर शुगर का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बहुत ही हाई है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इन स्टेट्स में। ठीक है, इसीलिए जो हमारी जो मिल्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, मोस्टली इन महाराष्ट्र। अगर हम बात करें तो शुगर केन जो है इन रीजन्स में हैज अ हाई सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि देखो जितना भी शुगर केन में जो सुक्रोज कंटेंट होता है उसी से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा सुक्रोज कंटेंट होगा तो उतनी ही ज्यादा उसमें क्या बनेगी, शुगर बनेगी। मतलब नॉर्दर्न स्टेट से सदर्न स्टेट के शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है। That's why जो मील है वो कहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है, इन स्टेट्स में शिफ्ट होती जा रही है। एंड रिलेटिवली कूल क्लाइमेट इज गुड फॉर लॉन्गर क्रशिंग सीजन। देखो हमने मतलब एग्रीकल्चर वाले लेसन में भी किया था कि शुगर केन को अगर हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो धीरे धीरे उसका जो सुक्रोज कॉन्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके लिए एक ऐसे क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, रिलेटिवली कूल है, जिसके कारण जो है हम इसको
लंबे क्रशिंग सीजन तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉर्दर्न स्टेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम इसको शुगर केन को काफी लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें जो सुक्रोज जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है और कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में। अभी नेक्स्ट इसमें आता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस है जो हमारी इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, मतलब जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सबसे पहली बात करें तो ये सीजनल है नेचर में, ठीक है, जिस सीजन में शुगर केन होगा उसी सीजन में क्या होती है, मील का काम होता है। मतलब यहाँ पे ये सीजनल है नेचर में, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कैसा होगा, सीजनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन का, जिसके कारण प्रोडक्शन का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, और कॉस्ट क्या आ रही है इसकी, हाई कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाता है कई बार, मतलब शुगर केन को शुगर मील तक ले जाने में अगर टाइम लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डिले हो रहा है, तो इसका मतलब शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट क्या हो जाता है, टाइम के साथ साथ कम हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लो प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो ये भी एक हमारी क्या है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमें जरूरत है, नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स लाइक बैगेज। अभी देखो, जब शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है तो जो बाय मटेरियल निकल जाता है, मतलब जो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल निकलता है लाइक बैगेज, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये सारी जो है मेजर चैलेंजेस है हमारी शुगर केन इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, फेस कर रही है प्रेजेंट टाइम में। और हमने ये भी कर लिया कि शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन से एरिया में लोकेटेड है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन महाराष्ट्र या सदर्न स्टेट में क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। और एक रीजन ये भी है कि महाराष्ट्र में अभी देखो इन एरियाज में क्या है, न्यू शुगर मिल्स लग रही है, तो शुगर मिल्स लग रही है तो इसका मतलब मॉडर्न मशीन्स का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण जो है मिल्स कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में। तो ये हमारा हो गया शुगर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अभी देखो हमने किया था, व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर बेस्ड है, मिनरल से अपना रॉ मटेरियल ले रही है, तो उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री दैट यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स एंड मेटल्स आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अगर हम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री देखें तो वो है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए ये क्या है, रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ठीक है। इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री, अगर हम इसे क्या कहते हैं, ये बेसिक इंडस्ट्री है, ओके। बेसिक इंडस्ट्री हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो मशीन बन रही है, जो इक्विपमेंट बनते हैं, जो टूल्स बनते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो उनका यूज करके क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी अगर आप देख रहे हो तो वहां पे जो इक्विपमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं वो कहां से जा रहे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बनके जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज ये
हर इंडस्ट्री, चाहे कॉटेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको क्या प्रोवाइड कर रही है? मशीन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, अपने इक्विपमेंट टूल्स प्रोवाइड करती है, फॉर फर्दर वो उनका यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो इट इज कंसिडर्ड एज हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर हम इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑन द बेसिस, हमने क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क या ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्री को कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, और लाइट इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है? ये एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन ओर यूज किया जा रहा है या कोल यूज किया जा रहा है, लाइमस्टोन का हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, बल्की होते हैं नेचर में, दे आर ऑल बल्की इन नेचर, दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज आर नोन एज हैवी इंडस्ट्री। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कैसी इंडस्ट्री है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। हमने किया था ना, पब्लिक सेक्टर होता है हमारा, जॉइंट सेक्टर होता है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, कोऑपरेटिव्स होते हैं, बट आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम किस में कंसिडर करते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे कि हमारा SAIL था, हमने किया था इसमें, तो ये हमारी क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी कैसी इंडस्ट्री है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। अभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इसलिए भी है कि हमने पिछले लेसन में भी किया था कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है उसे क्या कर दिया गया है, नेशनलाइज्ड कर दिया गया है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दैट्स व्हाई ये इंडस्ट्री भी कैसी है, गवर्नमेंट अथोराइज्ड है, ये पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं कि हमारे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है मोस्टली ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये इंडस्ट्री कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लोज टू मिनरल रिच एरियाज, मतलब ये ऐसे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है जिस एरिया में मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब जहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है उस एरिया में ही लोकेटेड है, लाइक छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड है, ओडिशा है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु, तो इन एरियाज में क्या है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है। पर सबसे ज्यादा कहाँ पे है इसका कॉन्सेंट्रेशन? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। अभी इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, मतलब क्या रीजन है, क्या फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कि वो छोटा नागपुर एरिया में लोकेटेड है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, वो भी हम आगे करेंगे। अगर हम बात करें इसी में आगे, तो देखो जो आयरन ओर होती है, अगर आयरन ओर को, ठीक है ना, जो आयरन ओर है, ठीक है, उसको अगर हम उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं लाइमस्टोन, आयरन ओर को लाइमस्टोन, आयरन ओर में क्या मिक्स कर रहे हैं हम, लाइमस्टोन मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने किया था आयरन ओर जो है उसमें लाइमस्टोन है, कुकिंग कोल है, उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आयरन ओर को लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, स्मेल्ट करते हैं इन इन द ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग कुकिंग कोल, और जिसमें हम किसका यूज करते हैं, कुकिंग कोल का, ठीक है, इसका यूज करके हम इनको क्या करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, ठीक है, और जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, पिग आयरन प्रोड्यूस करते हैं, फिर पिग आयरन को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई वगैरह किया जाता है, जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी हम करेंगे इसी में आगे, अगर हम हिस्ट्री हमारी बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, तो उसमें आपको पता ही होगा, डू यू नो, मैं आपके एक सेशन में दे रखा होगा कि 1950 में चाइना और इंडिया का जो प्रोडक्शन था, स्टील प्रोडक्शन, वो सेम था, दोनों ही वर्ल्ड में क्या थे, फर्स्ट नंबर पे थे, सेम क्वांटिटी में इनका क्या होता था, स्टील प्रोडक्शन किया जाता था। बट अगर अभी प्रेजेंट में देखें तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड,
ठीक है। अगर हम बात करें 1950 की, चाइना एंड इंडिया, क्लियर, प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, दोनों ने ही सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस किया था और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। बट अगर हम प्रेजेंट में देखें तो चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका, प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, आप स्टील भी बोल सकते हो, ठीक है ना, मतलब ये स्टील का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रेजेंट टाइम में एंड कंज्यूमर में है, मतलब ये प्रोड्यूसर भी है एंड साथ में क्या है, कंज्यूमर, क्लियर, मतलब कंज्यूम भी कौन करता है सबसे ज्यादा स्टील, चाइना ही कर रहा है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में क्या है, इंडिया रैंक्स थर्ड, इंडिया रैंक कर रहा है थर्ड वर्ल्ड में फॉर क्रूड आयरन, ठीक है ना, क्रूड आयरन के लिए, ठीक है, हमारा जो क्रूड आयरन प्रोडक्शन है उसके हिसाब से इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का रैंक क्या है, थर्ड है, और इंडिया प्रोड्यूस करता है 95.6 मिलियन टन, ठीक है, ऑफ आयरन ओर, मतलब क्रूड आयरन का इतना ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है अकॉर्डिंग टू 2016। अगर हम 2016 के डाटा की बात करें तो इंडिया का जो क्रूड आयरन का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, 95.6 मिलियन टन है, ठीक है, पर एनम के हिसाब से, पर एनम, और यहाँ पे मतलब इंडिया क्या कर रहा है, इसमें थर्ड रैंक है इंडिया का। अगर आगे हम बात करें कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, इंडिया क्या है, स्पॉन्ज आयरन का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, पर कैपिटा अगर हम कंसप्शन देखें इंडिया का तो वो कितना है, देखो हमारा प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ठीक है, बट हमारा जो पर कैपिटा कंसप्शन है वो क्या है, 63 केजी पर कैपिटा कंसप्शन अगर हम देखें तो वो हमारा कितना है, 63 केजी पर एनम, मतलब ये हमारे प्रोडक्शन से भी काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर हम हमारा पर कैपिटा कंसप्शन देखें तो इंडिया का पर कैपिटा कंसप्शन उसके प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, बिकॉज यहाँ हमारे यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, लैग कर रही है बहुत सारी चीजों में। अभी नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, ये तो हमारा था डू यू नो वाला टॉपिक, अभी नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब आप सबको पता है कि स्टील को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि आयरन ओर जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। सबसे पहला आएगा कि कोई भी रॉ मटेरियल है उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज तक क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि आयरन को, सॉरी, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने किया था कि जो आयरन ओर होता है,
उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ठीक है। आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है और उसमें क्या ऐड किया जाता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। ओके, स्मेल्ट करने के बाद या मेल्ट करने के बाद हम किसका यूज करते हैं, इसमें से जो स्लैग होता है, ठीक है ना, जो स्लैग होता है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। देखो ये प्रोसेस जो है आपको पता होनी चाहिए। स्लैग को रिमूव करने के बाद जो है कोकिंग कोक का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोक को बर्न करते हैं, ठीक है ना। कोक को क्या करते हैं हम, इसमें बर्न करते हैं, किस टू हीट द आयरन ओर। कोक को बर्न करके हम क्या हीट करते हैं, आयरन ओर को हीट किया जाता है। फिर जब जो मोल्टन मटेरियल इसमें से जो निकलता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है ये प्रोसेस के बाद, जो भी मोल्टन मटेरियल जो पोर्ड होता है उसको क्या किया जाता है, क्या किसी मोल्ड में पोर किया जाता है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं, क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। अभी बाद में क्या किया जाता है, इस पिग आयरन को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। पिग आयरन को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब उसको मेल्ट भी किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। बाद में जो है इसमें हम अदर मिनरल्स डालते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, निकल है, क्रोमियम है, तो ये जब इनमें मिलाया जाता है पिग आयरन में को प्यूरिफाई करने के बाद, जो हमारे आयरन को और भी क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, कि स्टील को कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अभी जब हमारा ये चीजें मिलाकर मिनरल्स मिला देते हैं, जब हम मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम इसको इसमें मिलाकर जब इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बाद में इसकी क्या होती है, रोलिंग होती है, कास्टिंग होती है, फॉर्गिंग होती है, उसको क्या दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, ठीक है, मतलब फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। ओके, क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, मतलब क्या कारण है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का वो इस एरिया में ही सबसे ज्यादा क्यों है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, बल्कि होता है, हैवी होता है। हैवी रॉ मटेरियल को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट क्या आता है, बहुत ज्यादा आता है। और आपको पता है ये टाइम के साथ कोल का वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स व्हाई जो रॉ मटेरियल है उसकी जो अवेबिलिटी है इन एरिया में बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है क्या
क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। रॉ मटेरियल उस एरिया में बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है उसी एरिया में, जिसके कारण हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सेकेंड इसका रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अभी देखो इस एरिया में जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा चीप में क्या किया जा मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है, अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर हम इस करते हैं तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में ही आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो लेबर है हमें वो सस्ते में मिल जाते हैं, मतलब चीप लेबर यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है। फिर इस एरिया में क्या है, रेगुलर सप्लाई, ठीक है ना, रेगुलर सप्लाई किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की एंड वाटर की, ठीक है। तो इस एरिया में रेगुलर सप्लाई है वाटर और पावर की, जो भी ये इंडस्ट्री के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्केट, मार्केट अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहां से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, देखो जो भी इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती है, और वो फिनिश्ड गुड्स को फर्दर किसकी जरूरत पड़ती है, मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो मार्केट अवेलेबिलिटी भी है, जिसके कारण जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फिर फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज भी है, क्लियर, पोर्ट फैसिलिटीज है, जिसके कारण हम जो है अदर कंट्रीज में हमारे जो आयरन है उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। फर्दर हम इसमें बात करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ आयरन ओर या रॉ मटेरियल, चैलेंजेस देखेंगे तो जो अवेलेबिलिटी है हमारे रॉ मटेरियल की वो क्या है, लिमिटेड है, मोस्टली इसी एरिया में है, ठीक है। और ये क्या है हमारे, मतलब अगर हम देखें तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, किसी एक ही एरिया में, मतलब इसी रीजन में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, लिमिटेड है यहाँ तक ही, ठीक है। तो उसकी एक लिमिटेशन के कारण भी क्या है, ये हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा चैलेंज क्या कर रही है, फेस कर रही है। सेकंड अगर हम देखें तो जो कोकिंग कोल है उसकी कॉस्ट क्या है, इसी के कारण, लिमिटेशन के कारण ही जो कोकिंग कोल है, जो कोक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें क्या मिल रहा है, हाई कॉस्ट पे, मतलब इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण भी हमें क्या करना पड़ रहा है, मतलब कोकिंग कोल की जो है हाई कॉस्ट के कारण ऑटोमेटिकली हमारा जो आयरन जो प्रोडक्शन होता है या हमारा फिनिश गुड है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें जो लागत लगती है उसको फिनिश प्रोडक्ट की जो जो लागत जो लग रही है ना, वो सभी कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है उसमें पहले, ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद ही उसकी एक कॉस्ट रखी जाती है, मतलब जितना ज्यादा कॉस्ट लगेगी उतनी ही उस चीज की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आगे हम बात करें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ही पुअर है, ओके, हम ओल्ड मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ओल्ड मशीन्स का यूज कर रहे हैं, मतलब हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस एरिया में क्या नहीं किया है, इम्प्रूव नहीं किया है, मॉडर्नाइज
नहीं किया है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। और अभी क्या होता जा रहा है, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी भी होती जा रही है, मतलब जो एनर्जी सप्लाई है वो भी क्या होती जा रही है, पावर सप्लाई है वो भी इररेगुलर होती जा रही है, जिसके कारण हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत सारे ये चैलेंजेस क्या कर रही है, फेस कर रही है। अभी आगे हम इसमें बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें, देखो इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी हमारे जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कारण हमारा पब्लिक सेक्टर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। हम हमारा जो गुड क्वालिटी का जो आयरन है उसको या स्टील है उसको क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम स्टील को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जो क्वालिटी है उसको भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखें तो हमारे पास इंडिया में जो आयरन एंड स्टील क्या है, हमारे लिए सुटेबल है, मतलब हम हमारे नीड्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, ज्यादा इंपोर्ट की भी हमें जरूरत नहीं है। फिर अगर हम आयरन एंड स्टील के डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे कि लिबरलाइजेशन है, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन के कारण जो ट्रेड है उसको क्या किया गया है, लिबरल बनाया गया है, और एफडीआई जो है उसके कारण हमारी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में क्या हुई है, बूस्टेड हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा यही पे खत्म हो रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।